हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आप सब तो ठीक होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने ज़िंदगी में दोस्तों। और दोस्तों, आज के नई वीडियो में आपके छोटे भाई की ओर से हार्दिक दिल से स्वागत है। और दोस्तों, मैं आप सबको एक बहुत ही दिव्य और काम पूरा इच्छा पूरा करने वाला वृक्ष दिखाऊँगा आज के वीडियो में। मैं इच्छा पूरा करने वाला वृक्ष आज के वीडियो में दिखाने वाला हूँ, और वो किसी प्रकार की भी इच्छा हो पूरा हो ही जाता है। आप इच्छा उस पेड़ से मांग सकते हो, और किस प्रकार से मांगना है आप सबको वीडियो में पूरा बतानेवाला हूँ आज के वीडियो में। मैं तो वीडियो पे कंटिन्यू पूरा बने रहो, और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। और अभी के टाइम में तो दोस्तों, हर किसी को इच्छा पूर्ति करने के लिए ज़रूरत रहता है, इच्छा पूरा करने के लिए। तो इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष आप सबको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहो। और उस वृक्ष को दिखाऊंगा, और किस प्रकार से उससे इच्छा पूर्ति होता है आप सबको पहले बता देता हूँ मैं। दोस्तों, आप किसी रास्ते पर जा रहे हो तो अचानक से उस पेड़ दिख जाए, तभी उससे आप इच्छा मांग सकते हो, तभी आपकी इच्छा पूरा होगा दोस्तों। अचानक दिख जाता है तभी इच्छा पूरा होता है, और उसे ढूँढ कर आप इच्छा पूरा करोगे तो नहीं होगा दोस्तों। और उसे अपनी इच्छा के अनुसार माने जान वहाँ पर है, ऐसे मांगना है इच्छा, इस प्रकार से सोच कर मन में जाओगे तो वो नहीं मिल पाएगा। तो आप सबको बता देता हूँ, आप अचानक दिख जाता है, जाते जाते घर से निकलते हो कुछ काम से, लेकिन रास्ता में वो वृक्ष दिख जाता है। तो वृक्ष दिख जाएगा ना, तब आप उससे इच्छा अपने मांग कर सकते हो, तभी आपका इच्छा पूर्ति होगा दोस्तों। आप चाहे छोटे इच्छा पूरा करना चाहो या बड़ा इच्छा पूरा करना चाहो, आप वो इच्छा पूरा हो ही जाएगा। तो उस वृक्ष को मैं दिखाने वाला हूँ अभी। बहुत ही अच्छा वृक्ष है, बहुत बड़ा वृक्ष रहता है वो, और उसका पूजा भी होता है, और उसमें बहुत ही पूजा अर्चना की जाता है उस वृक्ष का। तो उस वृक्ष को मैं दिखाने वाला हूँ, इच्छा पूरा करने वाला वृक्ष है वो। तो चलो चलते हैं और दिखा देता हूँ मैं उस वृक्ष को। और राह चलते चलते ही उस वृक्ष से आपकी जो भी इच्छा हो उसे मांग सकते हो, और सभी उसके इच्छा पूर्ति हो जाएगा, सभी का इच्छा पूरा हो जाएगा उस वृक्ष से। सच्चे दिल से मांगना चाहिए दोस्तों, किसी को इच्छा मांगना है तो साफ दिल होना चाहिए, और कोई मन में कुछ गलत विचार नहीं होना चाहिए। और जिस इष्टदेव को आप मानते हो उसे मन में इच्छा जमा लो, मन में इच्छा रख लो, उस भगवान को मन में रखो, और उसे 3 बार इच्छा मांगना है उस पेड़ से, और तभी आपका इच्छा पूरा होगा दोस्तों। और मन में किसी प्रकार की पाप नहीं होना चाहिए, तभी इच्छा पूर्ति होता है। तो उस वृक्ष को दिखा देता हूँ मैं, इधर ही है, छोटा है लेकिन बहुत बड़ा भी रहता है हमारे घर में, अभी तो छोटा है, और उसका हम पूजा भी करते हैं। तो इस वृक्ष को दिखा देता हूँ, इधर है सामने कैमरा से आप सबको दिखा। तो इधर है दोस्तों, देख सकते हो, इसे तो देखकर आप लोग पहचान कर लिया होगा। ये बहुत दिव्य पेड़ है, बहुत दिनों तक ये जीवित रहता है ये वृक्ष। तो इसी वृक्ष से आप अपना इच्छा पूरा कर सकते हो। और याद रहे दोस्तों, मैं आप सबको पहले ही बता दिया हूँ, मन में कुछ पाप नहीं होना चाहिए, कुछ गलत नहीं मांगना है, आपकी जो इच्छा है अच्छा इच्छा होना चाहिए, गलत इच्छा ना करें इनसे, अपनी अच्छी इच्छा मांगें तभी पूरा होगा दोस्तों। और दोस्तों, ये अचानक रास्ते पे जाते समय मिल जाए तभी आपका इच्छा पूरा होगा। तो ये पीपल वृक्ष है दोस्तों, आप लोग तो देखकर पहचान लिया होगा, इसमें शनि देव की पूजा की जाती है शनिवार के दिन। तो आप इसका रास्ते पे अचानक दिख जाता है तो रुककर वहां पर हाथ जोड़ लेना है, और मन में मांगना है अपनी इच्छा जो भी रहता है, और हर किसी का भी इच्छा पूरा होता है इस वृक्ष से। तो आपके भी इच्छा पूरा हो जाएगा दोस्तों, कोई फेक नहीं है, सच्चे मन श्रद्धा से जो भी मांगोगे, सच्चे दिल से, सच्चे साफ दिल से,
जो भी इच्छा मांगोगे तो वो तो पूरा होना ही होना है दोस्तों। और कोई गलत काम नहीं करोगे तो सबकी इच्छा पूरा जरूर होता है दोस्तों। तो सच्चे दिल से सच्चे मन से अपनी इच्छा मांगना इस वृक्ष से, और इसमें कोई मंत्र की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप इससे इच्छा मांगोगे तो खुद वो कुछ दिनों में आपकी पूरा हो जाएगा। सच्चे साफ दिल से मांगोगे तो आपकी इच्छा जरूर पूरा होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो आप सबको कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा होगा तो हमारे लिए एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।